नमस्कार मेरे साथ हैं ललितपुर के जिलाधिकारी मानवी सिंह जी जिन्होंने पिछले 22 महीनों में जिले में कीर्तिमानों को इतिहास गढ़ा है अभी हाल में ही आपको राष्ट्रीय जल प्रखंड से भी सम्मानित किया गया है इसके पूर्व जो गौशाला के निर्माण किया था कल्याणपुरा में जिसका लोकार्पण करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे वो इस गौशाला से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरे देश में कल्याणपुरा मॉडल के नाम से इसको चालू करने की बात कही थी आपकी संवेदनशीलता की अगर बात करें तो आप जब चैंबर में बैठते हैं तो उस समय आपके चैंबर का दरवाज़ा नहीं लगता है कोई भी व्यक्ति बेरोक टोक आकर आपसे बात कर सकता है इससे इतर एक अनोखा कार्य आपने किया है कि अपने चैम्बर में आपने एक हेल्थ डेस्क की स्थापना करी है कि जो भी फरियादी आपके पास अपनी तो फरियाद लेकर आता है तो आप उसका पहले स्वास्थ्य का परीक्षण कराते हैं उसका ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं यदि फरियादी कोई महिला है तो उसके हेमोग्लोबिन की जांच कराते हैं और अगर उसमें कोई कमी होती है तो उसकी फरियाद सुनने के साथ ही साथ उसके लिए दवाई की व्यवस्था करते हैं चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश में ये एक अनूठी पहल है अभी कल ही आपको जो प्रोन्नत आई एस एसोसिएशन का जिसमें लगभग लगभग पौने दो सौ के आसपास आई एस हैं उसका भी आपको अध्यक्ष बनाया गया है हमारे एफ एम न्यूज़ और ललितपुर लाइव की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है आइए संबंध में हम कुछ बात करते हैं जिलाधिकारी जी अभी जो ऑर्डिनरी का जो पुनर्जीवन किया था जो हमारे ख्याल से इस पूरे क्षेत्र के लिए एक अनोखी घटना थी ये कैसे घटी कैसे आपके दिमाग में आया कि इस कार्य को करना है देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है बल्कि इसमें जो भी बुंदेलखंड में जो अधिकारी काम करता है उसके सामने ये टारगेट रहता है कि यहाँ पर जल सेक्टर पर काम किया जाए और लगातार शासन के निर्देश भी प्राप्त होते रहते हैं मैंने उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए सब काम किए हैं और ओडी नदी एक हमें ऐसी नदी मिली इस जनपद में जो कि काफ़ी अच्छी नदी थी और जैसा कि राजेंद्र सिंह जो जल पुरुष हैं उनको मैंने यहाँ पर बुलाया था औडी नदी के जो पुनर्जीवन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है वह चलता रहना चाहिए नदियाँ एक दिन में जीवित नहीं होती हैं इसमें बहुत साल लगेंगे और तब जबकि हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे दिन हमने तीन चार महीने पिछले लगाए इसको पुनर्जीवित करने के लिए और इस वर्ष हमने कुछ नहीं किया तो हमारे सब प्रयास पुराने चले और उनके हिसाब से इस उस नदी के पुनर्जन्म से काफ़ी कुछ इम्पैक्ट आने वाला था तो हमने उस नदी को टेकअप किया और उस नदी का के पुनर्जीवन में जो काम किया गया उससे वहाँ के करीब नौ ग्राम पंचायतों को करीब दस हज़ार से अधिक जनसंख्या जो जनसंख्या है वो, वो उससे काफ़ी लाभ मिला जहाँ पर उनको सिंचाई के लिए एक पानी भी मुश्किल से उपलब्ध होता था अब उनको तीन से चार पानी मिल रहे हैं वहाँ का फसल चक्र ही लोगों का बदल गया पहले दलहन या की फसल करते थे आप खेत खाली पड़े रहते थे अब वहाँ पर गेहूँ की फसलें लहला रही हैं तो ओजी नदी पर काम करने में आ, और हमने कोई भी उसमें आ, सरकार से पैसे की भी डिमांड नहीं की बल्कि जो गांव में का फंड है उसका इस्तेमाल किया लोगों को रोज़गार मिला और रोजगार के साथ साथ एक बहुत बड़ा एसेट डेवलप हुआ जो कि ओडी नदी के पुनर्जन्म के, के रूप में विकसित हुआ मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्य बुंदेलखंड क्षेत्र में करना चाहिए क्योंकि यहाँ का कुछ जो भौगोलिक जो स्थिति है उसके अनुसार पानी यहाँ रुकता नहीं पानी बह जाता है इसको टेरैन कुछ इस तरह का है कि पानी रुकता नहीं है तो इसलिए हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक पानी रुके और पानी रुकेगा तो उससे स्तर भी बढ़ेगा दूसरा लोगों को पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा जो ऑर्डिनाजी जैसी कोई और आपकी संज्ञान में ऐसा है या जिस पर आप कार्य कर रहे हो या कोई हाँ, लिए मैंने है। मैंने मैं बहुत उत्साहित हूँ चूँकि इस हमारे इस काम को भारत सरकार ने रिकग्निशन दी दूसरा मुझे पुरस्कार तो अलग चीज़ है लेकिन उस क्षेत्र के लोगों को जिनको कोई पानी पूरे छः महीने उपलब्ध नहीं रहता था दूर दूर से लोग पानी लेकर आते थे उनको उनके चेहरे की खुशी देखने वाली थी और तो मैंने और भी नदियों को इस, इस गर्मियों में हमने काम करने का संकल्प लिया है जिसमें एक रोहिणी नदी भी है जिस पे मैं अभी आठ तारीख को मैंने वहाँ का कार्यक्रम लगाया है वहाँ पर मैं शुरुआत करूँगा उस नदी पे भी काम करने की इसके अलावा जो छोटी छोटी नदियाँ हैं नाले हैं इसके लिए भी मैंने लोगों को निर्देश अपने जितने भी विकास विभाग के अधिकारी उनको निर्देश दिए हैं कि उनको सबको चेकअप किया जाए प्रत्येक ग्राम में जो मनरेगा का पैसा है जो दिखाई नहीं पड़ता अभी और वो पैसा दिखाई पड़ना चाहिए मैं मैं इस बात पर जोर देता हूँ इसी तरह हमने मनरेगा में मनरेगा में खुल ओजी नदी पर ही नहीं काम किया बल्कि हमने बारह निष्प्रुज खानों का भी हमने उनको तालाबों में बदला उस पर भी हमें राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला हमें दो कैटेगरी के में राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है एक तो नदी के पुनर्जीवन को लेके और दूसरा जो हमने बारह खानों को खदानों को हमने जल क्षेत्र विकसित कर दिया उनका और उसे तालाब में परिवर्तित हुए जहाँ पर उसमें पानी एक बूंद भी नहीं रहती थी बरसात में पानी नहीं इकट्ठा हो पाता था अब वहाँ पर भी दो दो तीन तीन पानी लोगों को उपलब्ध है और वहाँ पर बहुत बड़ी भीषण समस्या थी गर्मियों में पानी की टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जाता था तो इस बार आ, उनको नलों में भी पानी उपलब्ध रहेगा चूँकि उसका वाटर लेवल उन खान खदानों में जो पानी भरा उससे वाटर लेवल भी उन नलों का ठीक रहेगा और इरिगेशन के लिए भी पानी उनको उपलब्ध हुआ है तो इस जल प्रबंधन क्षेत्र में आप द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं तो इस पर भारत सरकार ने भी मोहर लगा दी और अभी आपको जो जो पुरस्कार मिला है जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे

हो गया देखिए मैं तो ये मान के चल, मैं चलता हूं कि मैंने जब काम प्रारंभ किया तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे कोई पुरस्कार मिलेगा मेरे लिए आत्मसंतुष्टि की चीज़ यही थी कि आ, मैं लोगों को पानी मुहैया होगा और उनको आ, मैं, और अच्छी स्थिति में वो लोग आएंगे बस यही हमारा लक्ष्य था लेकिन हमारे काम को सरकार ने रिकग्नाइज़ किया इसलिए मुझे बहुत इस पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इस जनपद के लोगों ने सपोर्ट भी बहुत किया है जैसा कि आपने गोवंश आश्रय स्थल के बारे में कहा मुझे आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो गोवंश स्थल में काम किया है यहाँ पर लालपुर राम तो मॉडल गोवंश गोवंशास्थल विकसित किया है उसमें हम लगभग एक लाख सत्तर एक करोड़ सत्तर लाख रुपया हम लोगों के लोगों से कलेक्ट कर चुके हैं उनको मेंबर बना के ग्यारह हज़ार के मेंबर बना के तथा तो दूसरी तरीके से हम उनसे कंट्रीब्यूशन लेके हमने वहाँ पर एक बृहद गोवंशास्थल विकसित किया है जिसमें हर तरह की सुविधाएँ वहाँ पर हैं और अभी तक तो गे एक हज़ार गायों को हम रख रहे थे लेकिन बंदा फिर से हम दो हज़ार की संख्या और बढ़ाएंगे लगभग तीन हज़ार गायों को संरक्षित वहाँ पर करेंगे तो वहाँ पर भी हमने इस तरह का सिस्टम बनाया है कि भविष्य में वो हमेशा वर्क करता रहे ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद या किसी दूसरे अधिकारी के इंटरेस्ट ना लेने पर वो वहाँ पर वो काम रुक जाए इस तरह का हम स्थाई रहे हैं स्थाई स्थाई व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि गोवंश का संरक्षण आगे भी हमेशा होता रहेगा अभी पिछले दोनों अलवर में भी आपको जो तरुण संघ है जिसमें से पुरस्कार प्राप्त जो जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी हैं इनने भी आपको सम्मानित किया था तो आपके द्वारा जो ये कार्य लगातार जल के बेहतर प्रबंधन में किए जा रहे हैं लगता है कि इसको जो है दिन प्रदिन मान्यता मिलती जा रही है चाहे भारत सरकार हो या जो एन जी ओज हैं इस बारे में आप क्या कहें देखिए आने वाले समय में हमें पानी के प्रति बहुत सचेत होना पड़ेगा हमें बस मैं आप खुद प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि आज से हम तीस चालीस साल पहले तक पानी की इतनी बर्बादी नहीं करते थे जितनी कि आज हम कर रहे हैं हमारे पास पानी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि हमने इतना दुरुपयोग पानी का किया है कि पानी अब हमको दिखाई नहीं देता है पहले पानी बारहों महीने गड्ढों में तालाबों में दिखाई पड़ता रहता था क्योंकि हम उसको तब इतने दुरुपयोग नहीं उस पानी का करते थे लेकिन अब हम पानी का दुरुपयोग इतनी इस हद तक करते हैं कि पानी ख़त्म हो जाता है जैसे मैं मैं लोगों से बात करता हूँ यहाँ पर कि तालाब में पानी सिंचाई में लोग वहा खर्च कर देते पूरा पूरा पानी खर्च कर देते हैं उनको जल प्रबंधन भी करना चाहिए मैं जल प्रबंधन की बात भी करता हूँ कि जल प्रबंधन यदा लोग करें तालाब में दो तिहाई पानी का इस्तेमाल सिंचाई में करें एक तिहाई का पानी तालाब में ही रहने दें तो जो पेयजल संकट जो पैदा होता है पूरे इस क्षेत्र में अप्रैल मई जून तीन महीने होता तो ये ये पेयजल संकट अधिकांश गाँव में नहीं पैदा हो लेकिन चूँकि हम हम हमारे पास कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम पूरा का पूरा पानी गेहूं की फसल में ही खर्च कर देते हैं तालाब अपने पूरा गर्मी आने से पहले ही सूख जाते हैं तो इसके बाद तो फिर दिक्कत आएगी क्योंकि अब जितना खेती का मैकेनाइजेशन होता चला जा रहा है हमारे पास सुविधाएँ उपलब्ध हैं हम दो दो किलोमीटर दूर तक पाइप से पानी ले जाते पहले ये सुविधाएं नहीं थी तो पानी बचा रहता था तो मैं ये, ये भी मेरा मानना है कि पानी का प्रबंधन हमको ढंग से करना चाहिए यदि पानी की क्राइसिस है तो हमें ऐसी फसल बोनी चाहिए जिसमें कम से कम पानी पानी रहे और दूसरा शहरी क्षेत्र में भी पानी का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा अधिक होता है पहले जहाँ एक बाल्टी से लोग पानी काम चला लेते हैं वो वही उसी जगह पर दस बाल्टी पानी को खर्च करते हैं और सरकार इससे भी अपेक्षा करते हैं कि कि सरकार भी उनको इस जो पानी की इसका दुरुपयोग करें उसमें पूरी उनकी हेल्प करे तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और जागरूकता आना बहुत ज़रूरी है नहीं तो आने वाले समय में पानी को लेकर बड़ी दिक्कत पैदा पैदा होगी और जो आपने जो जो तरुण संघ ने जो पुरस्कृत किया मैं उसके लिए भी मैं काफ़ी मुझे मुझे लगा कि मुझे राजेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति ने रिकोगनाइज किया सरकार तो रिकोगनाइज करती है लेकिन जब कोई प्राइवेट व्यक्ति जो जिसने कि पानी में बहुत अच्छा काम कर रखा है उन्होंने तो कई नदियों को पुनर्जीवित का काम जीवन काम किया लगातार उस पानी में बेचारे वो लगे हुए हैं रमन मैग पुरस्कार मिला उनको और उन उनके काम को पूरे विश्व में रिकग्निशन मिली है तो उन्होंने जब मुझे सम्मानित किया तो मैंने मैंने महसूस किया कि हाँ मैंने ठीक ठाक कम किया है साहब बहुत अच्छे हैं और हमारी लोग उनकी सुनी हैं हमें उनका विश्वास कर रहे हैंगी वे हमारी मदद करेंगी बहुत अच्छा बिहार है बहुत बोली चाली में सबकी जनता की सुनते हैं हम लोग की सुनी है जनपद ललितपुर के जिलाधिकारी श्री मानवेंद्र सिंह जी जब से ललितपुर में आए हैं जनता न्याय पाने के लिए वह सहज एवं सुलभ तरीके से उपलब्ध हैं और जो सरकार द्वारा 9 से 11 का टाइम निर्धारित किया गया है उसमें वह नियमित समय से जनता के लिए उपलब्ध होते हैं और उनकी सबसे बड़ी पहल अपने कार्यालय में खून की कमी से ग्रसित महिलाओं की जो जांच कराई जा रही है वह एक बहुत अच्छी पहल है और इस पहल के लिए समस्त जिलाधिकारियों को उत्तर प्रदेश के अनुसरण करना चाहिए जिससे हमारी माताएं बहनें जो एनेमिया जैसे रोग से ग्रसित होती हैं कार्यालय में आकर वो जांच कराती हैं और उनके लिए दवाएं निःशुल्क वितरित की जाती हैं देखिए जिलाधिकारी महोदय की कार्यशैली से यह स्पष्ट हो गया है कि वह बड़े ही कर्मशील व्यक्ति हैं और गौशाला आदि खुलवाने के लिए उनके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो सराहनीय हैं जिसका अनुसरण प्रदेश सरकार द्वारा भी किया गया है और इसके लिए उनके लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नदियां सूख चुकी थीं उन नदियों को पुनर्जीवित करने में जिलाधिकारी महोदय का काफ़ी योगदान रहा है एक उड़ी नदी थी यहाँ पर उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया है जिससे सैकड़ों किसान लाभान्वित हो रहे हैं देखिए मैं आपको बताऊं ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश के लास्ट छोर पे बसता है यहाँ पे बहुत समय बाद एक ऐसे जिलाधिकारी आए जिन्होंने के, लोगों के विश्वास पे खड़े उतरे राजनीतिक दबाव में नहीं निष्पक्षता से काम करते हैं और हमेशा उनके दरवाजे जनता के लिए खुले रहते हैं आज आप देखें उनको केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया ललितपुर की ऐसी कोई संस्था नहीं जो उनके सम्मान में उनके खड़े नहीं हो रही हो वो हर गरीब से लेके हर व्यक्ति की जहां जरूरत है वहां वो उपलब्ध पाए जाते हैं और ऐसी कार शैली ऐसा लगता है कि 24 घंटे वो वर्किंग में रहते हो देखिए हेल्थ डेस्क जो उन्होंने चालू किया इससे इससे जनता के वो काफी हो काफी लाभ होगा और जनता इन्हीं सब चीजों को एक अधिकारी का जो दायित्व होता है उस पर वो खड़े उतर रहे हैं और जनता यही चाहती है किया है अभी जो खदानों की बात कर रहे थे तो जो निष्प्रय खदानें थी इनका जो आपने किया था इसके मतलब ये आपने जो सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया है पशुओं के लिए किया कि पेयजल का भी इसका कहीं उपयोग हो सकता है देखिए पानी है, हमारे सिस्टम में पानी जो भी नेचर में है हमारे सिस्टम में पानी है वो कहीं पर भी ये नहीं है कि ये सिंचाई का पानी है ये पेयजल का पानी तो एक ही पानी है ये तालाब उन खानों में चूँकि जो, जो बूंदी गिरती थी वो पानी उसमें जाता था उसका कोई कैचमेंट एरिया नहीं था हमने उसकी सफाई करवाई खानों की फिर उसका कैचमेंट एरिया विकसित किया कैचमेंट एरिया विकसित करने से पानी बह के उसमें जमा हो गया अब वो पानी आप सिंचाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसी पानी को आप पेयजल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पानी की कराची जरूर लेकिन जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पर इस जनपद में इस जनपद की खासियत है बल्कि मैं समझता हूँ बुंदेलखंड में शायद ललितपुरी ऐसा जनपद है कि आपको जहाँ भी आप जाइए प्रत्येक वाटर बॉडी बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई पड़ेगी उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है तो पानी सिंचाई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पेयजल के रूप में भी से और ज्यादातर जो खदाने हैं ये हमारे सब पठार क्षेत्र में है। और पठार पर होने की वजह से गर्मियों में पेयजल की निश्चित तौर से समस्या हो जाती थी तो मैं लगता है कि जो ये आपने जो खदानों पर जो जल संचय का है उससे जो बोर हैं चाहे डगवेल हों ये भी निश्चित तौर पर रिचार्ज होंगे बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है पानी यदि रुकेगा मैंने प्रारंभ में कहा कि पानी को यदि आपने रोक लिया तो फिर आप उसको पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप रोक नहीं पाएंगे तो वो पानी दो तीन महीने में गायब हो जाएगा जो बरसात के समय तो पानी आपको दिखाई देगा इसके बाद बह जाएगा पानी और वो बह के ऐसा नहीं कि कहीं बह के कहीं दूसरी जगह कहीं इस्तेमाल हो वो सब समुद्र में चला जाएगा वो बिल्कुल भी बेकार चला जाएगा जमुना गंगा इन सब का पानी कितना मैं समझता हूँ नाइन्टी फाइव परसेंट ऐसे ही रहता है फाइव परसेंट भी हम मुश्किल से इस्तेमाल कर पाते होंगे मैंने इस साल भी मैं करीब सत्रह निष्प्रज खानों को फिर मैं चेकअप कर रहा हूँ और उनको भी हम तालाब के रूप में विकसित करेंगे और नदियों के बारे में मैंने आपको बताया कि मैं खोज रहा हूँ कि छोटी मोटी नदियाँ जहाँ नाले जहाँ भी हमको मिलेंगे उन पर हम काम करेंगे और हम अपने जितने भी विकास विभाग के अधिकारी हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि गाँव में छोटे छोटे जल जो भी जगह हैं तालाब है नाले हैं कुछ भी है उसको विकसित करें मनरेगा के पैसे का वहाँ पर उसको क्रिएट करने में इस्तेमाल करें ये मैंने लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दिए और मैं उसका मैं मैंने कहा भी मैं जन में भी बहुत करता हूँ गाँव में जाके तो मैंने कहा भी है कि मैं मनरेगा के काम को देखूँगा कि मनरेगा के काम से कितना असेट डेवलपमेंट हुआ है गाँव में इस, इसको भी सूचित करूँगा ये जो खदान वाला आप हम बात कर रहे थे आपसे कि जो खदान वाले क्षेत्र में अगर है जो नए जो क्षेत्र आप डेवलप करने वाले ये कौन सा एरिया है जिनमें आप करेंगे देखिए जो भी जो जो निष्प्रुज खदाने हैं वो सब पठारी क्षेत्र में है जहाँ पर सबसे अधिक पानी की जरूरत है तो मैं मैं समझता हूँ कि हमारा मैं ओगी नदी में से अधिक का ये महत्वपूर्ण काम है निष्प्रुज खानों खदानों का काम है और ये निष्प्रुज खदानें हमेशा के लिए संरक्षित हो सकती हैं केवल कि धीरे धीरे इन सब चीज़ों में क्या होता है सिल्टेशन होने लगता है तो आपके पास हमेशा मंदिर का पैसा उपलब्ध है सिल्टेशन हो जाए आप सिल्ट हटवा दीजिए फिर आपकी खदानें उसी तरह की नदियों का भी इसी यही है नदियों में जो जो अकवाफर होते हैं वो रुद जाते हैं तो समय समय पर ड्रीजिंग वगैरह का काम होता रहे तो वो अकोफर काम करते रहेंगे तो फिर पानी बरसात के समय नदी का पानी ज़मीन के अंदर जाएगा और बरसात के बाद वही पानी रे, रेस के नदी में आएगा तो पूरे बरस न, न, नदी बहती रहेगी तो ये ये तो बड़ी नेचुरल चीज़ें जिसको हम, हाँ हाँ इसको हम 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 हमको ये सब काम करना चाहिए और इसके अलावा फॉरेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी है इसमें औजी पैर हम लोग इस बार फिर काम कर रहे हैं औजी को ओजी को हमने फिर लिया है और उसमें लास्ट ईयर में पैंतालीस पौधे लगाए थे लेकिन बहुत सर्वाइवल बहुत अच्छा नहीं रहा तो इस बार हम लोग इस तरह करेंगे कि सर्वाइवल अधिक पेड़ों को लगभग पचपन हज़ार पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है और नदी का भविष्य तभी है जब वो नदी चारों तरफ से सघन वृक्षों से आच्छादित हो और चूँकि पिछले सालों में पिछले दशक में पिछले दो तीन दशकों में वृक्ष वृक्षों का पातन बहुत अधिक हुआ है पूरा केवल इसी लगा देश के सभी जगह पर अब धीरे धीरे धी अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों की कि भाई पौधे होने बहुत आवश्यक है तो जो पहले नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमको करनी करनी होगी और उसमें सघन वृक्ष हम उस नदी के दोनों तरफ लगा देंगे तो नदी का स्वरूप पुरा, पुराना वाला ही स्वरूप निकल के आ जाएगा अच्छा आपको ये भी लगता होगा कि जो आपने खदानों में जो जल संचित किया है ये बहुत कम लागत में जैसे आप चेक डैम बनाते हैं तालाब बनाते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा पैसा लगता है तो ये आपने छोटे छोटे मतलब कम खर्चे में और एक बड़ी सिंचाई का जो ये आपने किया लगता है ये भी एक बहुत बेहतर काम करने आप जा रहे हैं लगता है कि अगला पुरस्कार आपको इसी क्षेत्र में मिलने वाला है देखिए ऐसा नहीं मुझे मैं मुझे वास्तव में जो आप ये बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ कि मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है जब मुझे लगता है कि मैंने सरकार से एक भी पैसा जमा नहीं किया और हमने कोई ऐसा पैसा भी नहीं लगाया जो हमारे हमारे पास था और जिसको हम बेहतर और कहीं लगा सकते थे हमने ऐसे पैसे को इस्तेमाल किया जो पैसा बेकार जा रहा था जो दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे कहना नहीं चाहिए कि वो बंदर भाट जिस पैसे को हो रहा था हमने उस पैसे को लगाया वो चाहे गोवन शासन स्थल में हो प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस काम को इसीलिए स्वीकार ज़्यादा सराहना की कि हमने डिमांड गवर्नमेंट से डिमांड एक भी पैसे की नहीं की थी जब ये वर्तमान सरकार आई चूंकि वर्तमान सरकार की प्रायरिटी में गोवंश को संरक्षण की थी और उन्होंने कहा कि गोवंश हमें संरक्षण करना है संरक्षित करना है तो जिलों से करोड़ों की डिमांड जाने लगी हमारे पास भी इसी तरह के प्रपोजल आया तो मैंने मैंने भी उसमें हमारे कमिश्नर जो थे तो मैंने उनसे कहा हमने कहा सर एक हज़ार गायों के लिए झांसी 22 करोड़ का प्रोजेक्ट भेज रहा है और हमारे लोग भी उसी तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं हमने कब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इससे इससे एक हज़ार गाँव से क्या समस्या का वो हो जाएगा और दूसरा जिस तरह प्रोजेक्ट बन रहा है इसका इसकी इसकी सस्टेनेबल भी नहीं है तो ऐसे इससे क्या फ़ायदा है तो वो भी बोले कि भाई गवर्नमेंट का दबाव है बना के भेजो खैर मैंने तो नहीं भेजा था लेकिन कुछ जनपदों से गया था गवर्नमेंट इतना खर्च कहाँ कर सकती है गाय के लिए इतना नहीं खर्च कर सकती थी लेकिन उसी दौरान हमारे दिमाग में इस तरह का मॉडल है कि कि मुझे गौ जो चारागाह की जमीन दिखाई दी उनके कि चारा गह ज़मीन सबसे गोवंशासन स्थल जहाँ भी गौशाला जो खुलती थी उससे वो शहर के किनारे होती थी ज़मीन खरीदने में अच्छा खासा पैसा खर्च होता था हमें हमारे लिए हमें निःशुल्क चारागाह दिखाई पड़ गया फिर मुझे दूसरे फंड भी दिखाई दिए तो मुझे लगा कि इनसे ए, 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 काम किया जा सकता है तो काम करते करते हम गोवंश बहुत अच्छा कल्याणपुरा गोवंश विकसित करके ले गए जो भी आता है उसको अप्रिसिएट करता है और वो उसको सस्टेनेबल भी हम बनाने की तरफ हम हैं और मैं समझता हूँ दो तीन महीने वो इस स्थिति में पहुँच जाएगा कि वो सस्टेनेबल रहेगा ये थे हमारे जिलाधिकारी मानमी सिंह जी जिन्होंने जहाँ एक तरफ बताया कि बेहतर जल प्रबंधन कैसे किया जा सकता है वही सरकार के कम पैसे में कैसे बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं इस पर हमारे से चर्चा की बहुत बहुत धन्यवाद जिला